They are back after so long. मैंने फिर चाकू किसको मारा था देख के आना पड़ेगा, अभी नहीं आएगा आवाज। टेक्नोरोइज में आपका स्वागत है। जून का महीना भी दोस्तों उतना ही गर्म होने वाला है जितना मार्च अप्रैल मई नहीं था, मई थोड़ा ठंडा था, हाँ वैसा मुझे लग रहा है क्योंकि सारे जो लॉन्चेस थे वो मई में कंपनी ने डिले करके जून में शिफ्ट कर दिया। और दोस्तों जून में भी बहुत सारे फोन्स लॉन्च हो गए और हर महीने हमारा ये वीडियो आता है, यार व्यूज कम आ रहे हैं, लाइक्स कम हो रही है, इस पर भी दोस्तों थोड़ा लाइक करिए, मोटिवेट करिए, यहाँ पर भी लेजेंडरी डांस चालू कर देंगे। सबसे पहला जो फोन है दोस्तों नोकिया जी सीरीज और नोकिया सी सीरीज। हाँ बताया जा रहा है कि नोकिया ये जो फोन है वो इंडिया में जून के महीने में लॉन्च करेगा। ये नोकिया के लिए उनके गेमिंग फोन है लेकिन हमारे लिए नहीं है। हाँ अच्छी प्राइस पर आए तो ठीक है, नोकिया से कोई शिकायत नहीं, उनके सॉफ्टवेयर अच्छे होते हैं और अपडेट्स वगैरह सब कुछ टाइम पर होता है, मजाक के अलावा बोल रहा हूँ, सब कुछ इन मामले में सही रहते हैं वो लोग, लेकिन फोन में दोस्तों प्राइस बहुत ज़्यादा होती है और बाकी इतना मज़ा नहीं आता है। तो कोई बात नहीं, विदाउट लूंगी आज करते हैं हम लोग। वैसे मोटोरोला भी कोई कम नहीं है, चाइना में मोटो एज एस जो लॉन्च हुआ था स्नैपड्रैगन 870 के साथ में 25,000 के नीचे प्राइस थी, ग्लोबली G100। इंडिया में ये फोन बड़ी जल्दी लॉन्च करेगा, वैसे मई में आने की बात हो रही थी लेकिन मई में तो लफड़े चल रहे हैं इसी महीने मतलब, तो जून के अंदर शायद वो लोग लेके आ सकते हैं। साथ ही साथ मोटोरोला का G20 भी आएगा जो एकदम अफोर्डेबल रेंज का होगा और 10,000 के नीचे उसकी प्राइस होगी ऐसा भी बताया जा रहा है। अच्छी चीज़ ये लगती है कि इनके अंदर फोन में सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा होता है, स्टॉक देते हैं, ये चीज़ मुझे अच्छी लगती है। देखते हैं, आने दीजिए, देखते हैं मोटोरोला इस बार क्या खास करता है। इन्फिनिक्स भी दोस्तों इंडिया में जून में अपने नोट 10 और नोट 10 प्रो को लॉन्च कर रहा है और ये कन्फर्म समझ लीजिए, क्योंकि जितने भी फोन्स आपको बताता हूँ ज़्यादातर हम खुद पर्सनली बात करके खबर बाहर निकालते तो और आपको देते हैं, तो ये दो फोन्स इंडिया में हमें जून में मिलेंगे, बस देख देंगे क्या प्राइस होती है और कितना खास होता है, सॉफ्टवेयर थोड़ा इंप्रूव कर दे इन्फिनिक्स तो मेरे ख्याल से सही रहेगा। सैमसंग झोला पड़ा इधर, मैं उठाएगा आज फोन M22। हाँ ये आ रहा है दोस्तों, यह है A22, ये भी आएगा और यह है एक मिनट मैं खुद भूल गया, ये F52 5G ये भी आएगा। ये तीन फोन्स बताए जा रहे हैं कि जून के अंदर लॉन्च हो रहे हैं, ये मैंने खुद उठाया झोले में से क्योंकि सैमसंग ने वो हाल कर दिया, इतने सारे फोन्स लॉन्च कर रहे हैं इंडिया में कि हमें खुद पता नहीं कि सैमसंग क्या कर रहा है, और पता नहीं ये तो भी शुरुआत है, सब 3-4 महीने ही हुआ है, अभी सोचा आगे क्या करेगा। देखते हैं सैमसंग के कितने फोन्स क्या प्राइस पर कितने खास होते, थोड़े टाइम में ही पता चलेगा। आइको, दिस इज आइको, रिमेंबर वो पोको है। आइको Z3 दोस्तों ये जो फोन है बड़ा इंटरेस्टिंग फोन है जो चाइना में हाल ही में लॉन्च हुआ था, 20,000 की रेंज का फोन था और स्नैपड्रैगन 768G हाई रिफ्रेश रेट वाले डिस्प्ले, बड़ी बैटरी वगैरह, ओवरऑल एक बहुत ही डिसेंट पैकेज है। अभी आइको ने हाल ही में धमाल कर दिया आइको 7 सीरीज के साथ में और यहां पर भी आइको वैसे ही करेगा, तो आइको Z3 जो फोन है जून के महीने में आ रहा है दोस्तों और मैं इसके लिए इंतजार कर रहा हूं। क्या लगता है क्या प्राइस होनी चाहिए कमेंट में ना जरूर से बताना। Oppo Reno 6 सीरीज, जी हाँ अभी 5 वाला जो था उनका Reno 5 वो अभी बगल में ही था, अभी 6 खड़ा हो गया के। वैसे ये जो फोन से ये बताया जा रहा है कि Dimensity 1200 के साथ में आएंगे और ऑब्वियसली स्लिम हो गए और कैमरा अच्छा होगा सेल्फी के लिए और डिस्प्ले भी AMOLED हाई रिफ्रेश रेट, ये बहुत सारी चीज़ें Oppo के Reno 6 सीरीज में हमें देखने को मिलेगी, लेकिन ऑब्वियसली प्रीमियम प्राइस टैग होगा ये भी हमें सोचना है। देखते हैं जून में Oppo Reno 6 सीरीज क्या खास और कितने आते और क्या प्राइस पर होते हमें जून में ही पता चलेगा। इसी के कजिन भाई की बात करें, OnePlus Nord CE 5G, हाँ ये जो फोन है दोस्तों ये भी हमें बड़ी जल्दी मिल सकता है और जून में आएगा, जो बेसिकली OnePlus Nord N1 या N10 पता नहीं, N10 तो ऑलरेडी था, Nord N1 हाँ एक कोई फोन था वो नहीं बल्कि Nord, ये मैं कंफ्यूज हो गया, लोग परेशान करके रखा है, Nord CE जो है वो आने वाला है। अब इसमें क्या चिपसेट होगी, क्या होगा, क्या प्राइस होगी, धीरे धीरे जून में ही पता चलेगा। बात करते हैं कुछ देसी माइक्रोमैक्स, देखिए माइक्रोमैक्स ने अपनी जगह बना के रखा है दोस्तों और जो उन्होंने कमबैक किया अभी भी हम बहुत खुश हैं उससे। माइक्रोमैक्स ऐसा लग रहा है कि जून में अपना एक नया फोन लॉन्च तो करेगा लेकिन वो अपना 5G फोन भी लॉन्च करेगा, ऐसा खुद राहुल शर्मा ने पहले बताया था कि जून के बाद से हम लोग इंडिया में अपने 5G फोन्स लॉन्च करेंगे, उन्होंने कहा था कि सही समय देखकर करेंगे और मेरे ख्याल से वो सही भी बोल रहे हैं क्योंकि अभी इंडिया में 5G आया नहीं, अभी तो ट्रायल शुरू होगा तो उसको तो आना में टाइम लगेगा, तो ये एक्सपेक्टेशन है कि माइक्रोमैक्स एक अच्छा फोन हमें जून में देखने को मिलेगा, वो 4G होगा 5G होगा ये तो हमें जून में ही पता चलेगा। 13,999 रुपीज, हाँ माधव शेठ की बात कर रहा हूं मैं,
Realme के बहुत सारे फोन्स लॉन्च होने वाले हैं जून में। Realme X7 Max आ रहा है जो Realme GT Neo होगा, ऐसे समझ लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों Realme C25S आ रहा है, इसकी मुझे लगता है जरूरत नहीं है। उसके साथ साथ Realme GT आ रहा है जो उन्होंने खुद एक ट्वीट के जरिए हल्का सा हिंट दे दिया था, और Realme Narzo 30 आ रहा है। Narzo 30 भी ठीक ठाक है, लेकिन अगर 5G वाला लेके आता तो उसमें तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि Realme X7 Max की वो लोग क्या प्राइस रखते हैं, क्योंकि X7 Pro तो 27-28 हज़ार का मिल रहा है Dimensity 1000 प्लस। अगर X7 Max में Dimensity 1200 है तो वो 25 हज़ार में कैसे देंगे, ये मुझे समझ नहीं आ रहा है। अरे दीजिए, देखते हैं कि Realme क्या करता है। दिस इज Poco। Poco M3 Pro 5G, जी हाँ, ये फोन कन्फर्म्ड है जून के अंदर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। प्राइस जो होगी वो 15,000 के नीचे होगी, और ये ऐसा मुझे लगता है कि इंडिया का सबसे चीपेस्ट 5G फोन बन के आ सकता है। फिलहाल के लिए Realme 8 5G आई थिंक वो सबसे चीपेस्ट 5G फोन है, Dimensity 700 के साथ में, नॉट श्योर, वही होगा, लेकिन ये उससे भी नीचे आएगा। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज है Poco की तरफ से, देखते हैं। साथ ही साथ Poco F3 GT वगैरह ये भी हो सकता है आगे आ जाए, जुलाई तक होगा लेकिन ये भी आने की बात हो रही है ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। लेट्स सी के Poco इस बार क्या करता है। और फाइनली कैसे भूल सकते हैं Redmi को या Xiaomi को। Redmi 10 सीरीज दोस्तों, जो हमें मई में आने की बातें हो रही थी, ये भी हमें बड़ी जल्दी मिल सकते हैं और जून में शायद आ सकते हैं। Redmi 10 सीरीज में भी बहुत सारे हो गए, क्योंकि Redmi 9 सीरीज ने नाक में दम कर दिया था। हाँ, वैसे Redmi 10 सीरीज भी हो सकता है, और देखते हैं अभी इनके बारे में ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन आई नहीं, लेकिन हाँ ये भी कंफर्म्ड है कि जून के महीने में हमें इनके बारे में कुछ ना कुछ पता चलेगा। बाकी जो चाइना वाले 5G वाले नोट 10 सीरीज का, उनका कुछ पता नहीं है, बाकी इनके तो चांसेस मुझे ज्यादा लग रहे हैं। तो ये वो सारे फोन्स थे जिनके बारे में हमने आपको बताया जो जून के महीने में हमें देखने को मिल सकते हैं। बाकी आप किसका सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और आप कौन सा फोन प्लानिंग कर रहे हैं परचेस करने के लिए, 4G 5G जो भी है, कमेंट में जरूर से बताना। इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।